तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा यीशु। आज हम संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 41 तक मनन चिंतन करेंगे। आज के पवित्र पाठ में हम सत्य जो प्रभु यीशु बतलाना चाहते हैं उस पर मनन चिंतन करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु अपनी शिक्षा में ये कहता है, यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। प्रभु यीशु ये कहता है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। यदि हमें प्रभु की शिक्षा में रहना है, यदि हमें ईश्वर के शिष्य बनना है तो उसकी शिक्षा पर दृढ़ रहना है। अगर ऐसा है, हम उसकी शिक्षा पर दृढ़ हैं, तो फिर हम सत्य को जान जाएंगे। और इसलिए प्रभु ये कहता है, यदि तुम सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अब हमें ये समझना है कि यह सत्य क्या है, और इसका हमें उत्तर अगले ही लाइन में मिलेगा, जो कि संत यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 23 में प्रभु वचन कहता है। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। क्या आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यहां पर इसका उत्तर है। लोग प्रभु यीशु को अब्राहम के बाद का समझ रहे थे, लोग प्रभु यीशु को अब्राहम से कमजोर कम मान रहे थे, परंतु सत्य ये था कि अब्राहम से पहले प्रभु विद्यमान है। प्रभु यीशु अब्राहम के भी ईश्वर हैं, और हम जो अब्राहम की संतान हैं, लोग ये समझते थे कि प्रभु यीशु अब्राहम से कम हैं या अब्राहम के बाद के हैं, इसलिए वे सत्य को नहीं जाने। परंतु वास्तविकता यह है, सत्य यह है कि प्रभु यीशु अब्राहम से पहले हैं, प्रभु यीशु अब्राहम के भी ईश्वर हैं, और यही सत्य है। शायद ये सत्य वे नहीं जान पाए, इसलिए ईश्वर उनसे कहते हैं कि तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आइए हम प्रभु यीशु को अपना स्वामी माने। वो हमसे कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। उस सत्य को, उस जीवन को हम आज अपनाएं और उसके सत्य पर हम चलते रहें, जिससे हम ईश्वर के राज्य के भागी बने। और अब्राहम के ईश्वर, याकूब के ईश्वर और इसहाक के ईश्वर परमेश्वर के राज्य में राज करें। आमीन।